इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, यार इलायची जी, मुंह तोड़ देगी तेरा बिजिंदर के बच्चे। इलायची जी हमें पंचम, बोलो ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। चीचा जी, आप इस वक्त इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इलायची जी, आपको जरा सा भी आइडिया है कि आपके आंगन के गुसल खाने में क्या है? एक मिनट, आप इतनी रात को मुझसे ये पूछने आए कि मेरे गुसल खाने में क्या है? सीरियसली, हम आपको ये बताने आए हैं कि आपके गुसल खाने में एक खुफिया तिजोरी है। इलायची जी, चीजा जी, क्या रात को टिका के आते हो? मतलब कभी कहते हो कि मेरे पापा का अफेयर चल रहा है उस आंटी के साथ, और जब भी आप आते हुए देखा आपने उन्हें, और आज कह रहे हो कि तिजोरी है मेरे बाथरूम में, प्रॉब्लम क्या आपके? इलायची जी, हम आपसे सच कह रहे हैं, हमने अभी भी सेठ जी को उसी तिजोरी से पैसे निकालते हुए देखा है, और वो सारे पैसे उन्होंने वो नई वाली आंटी को दे दिए, और हमने वो नई वाली आंटी जो है ना, उनको हमने उन्हें गले लगाते हुए फिर से देखा। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, सीधा सेठ जी का कैरेक्टर थर्ड फ्लोर से गिर के तहखाने तक पहुंच गया हमारी नजरों में। इलायची जी, इधर आइए आप। नहीं इलायची जी, हमें कोई शौक नहीं है थप्पड़ खाने का। हाँ तो थप्पड़ खाने वाले काम क्यों करते हो, सब क्यों बोल रहे हो? शर्म नहीं आती मेरे पापा के बारे में इतनी घटिया बातें करते हुए? शर्म आई थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि करने वाले को शर्म नहीं आ रही तो हमें क्यों शर्म आए। मैं ना पूरी नोच लूंगी आपका। हाँ वो तो आप वैसे भी हमारे सपने में मतलब शेरनी शेरनी बन के। इलायची जी, हम कसम से सच बोल रहे हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। इलायची जी, कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं कहीं सेठ जी बदल बदल तो नहीं गए हैं, डबल रोल, प्लास्टिक सर्जरी, पता नहीं। चीजा जी, अगर सच कहूँ ना तो मुझे भी सेम टू सेम यही वाला डाउट था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पापा के साइन करवा के देखती हूँ, और जब चेक किया तो सेम टू सेम यार, वही साइन तो गलत हो ही नहीं सकते ना पापा तो। इलायची जी, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं, आप इतनी छोटी सी बात से मान गए, और आप खुद याद करिए, अपने आप से पूछिए, आपने कितनी बार रिपोर्ट कार्ड पे खुद साइन किया है कि नहीं किया है, आपने दिखाया कि नहीं दिखाया प्रिंसिपल को? जब आप कर सकती हैं तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? बात तो एकदम सही बोली है। देखो यार, पापा की असलियत पता लगाने के लिए अब तो मैं कोई और जुगाड़ ढूंढनी होगी, लेकिन क्या? हाँ, लाइफ में डंटे हो रखे हैं। अरे रुक रुक जाओ यार, क्या है सब? तो बारात लाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अबे हटे, मेरे तो भागे फूट गए। अरे मम्मी जी, अभी भागना फूटे, विदाई में समय है। अबे ओ साले, कौवे जैसी शक्ल तेरी, मैं ना चाहिए तुझे शादी करने के लिए। हट, तेरी कैसी है शक्ल, अपनी भी देख ले। पिंटू भाभी, हाँ जी, ये बैंड वाले का बैंड बजाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चल चल निकल, हो गया तेरा बैंड बजा, हो गया, जाना जा। अबे भाई सुन ले सुन ले, रुक जा, मैं तो ना जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ तो बारात लेके आऊंगा मैं, समझ रहे हो? और वैसे भी जागर को मैं होने वाला दामाद हूँ, तो भैया खातिरदारी करो मेरी, कछु रसगुल्ला मिठाई पकवान लेके आओ, हम दोनों बैठ के खा लेंगे संग में। ओ भाई, ऐसी खातिरदारी करूंगा ना तेरी, साले पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा, समझा? जीजा जी, मुझे इससे निपटने दीजिए। ए बैंड मास्टर, अपना बैंड और मिठाई दो लेके निकल निकल ना यहाँ से। अरे अरे भैया, अरे वाह 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 वाह, खुद रहा बेटा, खुद रहा विजेंद्र, तू तो अपनी बात का बड़ा पक्का निकला, मिठाई खिला मिठाई खिला मिठाई खिला सबको। हाँ ससुर जी, अरे ला बुझा दे बुझा दे बुझा दे, मैं बांट दूंगा सब में। देख रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची सांजू, इलायची सांजू, इलायची, चुप करके निकल जाए यहाँ से। इलायची के पापा,
तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? अरे क्या दिमाग कर रही है तू? है शादी की उम्र हो रखी है उसकी, इसमें जल्दबाजी क्या बात है? हाँ मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सच्ची तो है मेरी शादी की उम्र हो चली है। देखा इलायची बिटिया कितनी समझदार हो गई है, भाई कल का शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और वैसे भी सब लोग राजी हैं। हम कतई राजी नहीं हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि शादी कल है और शेरवानी लाने के लिए समय नहीं बचा है, एक ही दिन बचा है कहां से लाएंगे? अच्छा सुन एलआईजी बिटिया, तू अपनी मम्मी के साथ बाजार जा और कुछ कपड़े लत्ते अपने लिए खरीद ले और इसके लिए भी ले आई हो, ठीक है भाई? कल तो शादी होकर रहेगी बस। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? पापा आपको याद है जब मैं छोटी थी और स्कूल जाने से पहले आप मुझे एक गाना सुनाया करते थे, और देखिए ना अब आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, एक नई दुनिया में कदम रखने वाली है, तो मैं चाहती हूँ शादी से पहले आप मुझे वही गाना सुनाएं, वरना मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ। कैसी जिद कर रही है तू भी है? अरे मैंने पूरा ऑर्केस्ट्रा मंगाया हुआ भाई गाना सुनाने के लिए, है वो सुनाएगा और फिर ये पंचम भी तो अच्छा गा लेता है, ये सुनाएगा गाना? नहीं मुझे तो वही गाना सुनना जो मैं बचपन में सुना करती थी, तभी मेरी डोली इस घर से उठेगी। बोलिए गाएंगे ना आप गाना मेरे लिए? ठीक है सुनाऊंगा। अब इस मुरारी के बच्चे से गाना भी सीखना पड़ेगा। ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है एलआईसी जी? हाँ तो टाइये इलायची, ये तेरे पापा कहाँ चले गए और तू कौन से गाने की बात कर रही थी? बस मम्मी समझ लो कि पापा वो गाना ढूंढने गए जो उन्होंने कभी गाया ही नहीं। आपको याद है बचपन में जो लोरी सुनाते थे मैं बेहोश हो जाती थी, तो आपने उनसे कहा था कि मुझे कभी गाना गा के ना सुनाए, बस सच झूठ सब बराबर हो जाएगा। इलायची इसका मतलब तेरे पापा का कहीं और चक्कर चल रहा है, मेरे तो भाग्य फूट गए। ऐसी बात नहीं है मम्मी, चलो चलिए। एक मिनट अब संजू। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची चुप कर, दुकान पे कोई नहीं, दुकान का ख्याल रखना, चलो। मम्मी हाँ मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है, आप एक काम करो कि बिंटू भाभी को भी साथ ले जाओ। अच्छा बिंटू चलो। चीजा जी चले। सुन बे मुरारी, तू मुझे वो गाना बता जो तेरी बेटी तुझसे गाना सुनती थी। कौन सा गाना? वही गाना जो तू अपनी बेटी को सुनाता था जब वो स्कूल जाती थी तब। अरे मेरी बेटी स्कूल जाएगी तब गाना सुनाऊंगा ना, वो तो जिस दिन स्कूल जाती थी
उस दिन हनुमान जी की आरती करके उनका प्रसाद चढ़ाता था मैं। ज्यादा होशियारी मत दिखा, जो पूछा है वो ही बता। अरे होशियारी तो मेरी बेटी ने दिखाई है तुझे उल्लू बना के। अरे मैं कोई गाना वाना ना गाता था। अच्छा, कोई गाना ना गाता था और मुझे उल्लू बना दिया। अरे आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे उल्लू बनाए। इलायची, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना तुम लोग। अबे ओ, पिस्टल निकालने से क्या होता है? तेरा बैड लक था कि तू हमारे घर में आया और मुझसे भिड़ गया आके। हाँ यही तो मैं से कह रहा था, इस पर तरस आ रहा था कि तुझसे बंगा लिया है, लेकिन ये मान ही ना रहा था। बात कर रहा है बेकार की, चुप कर। खबरदार साले, अगर तूने हमारे सेठ जी पर आग भी उठा कर देखी समझा, साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा। नमक खाया हमने उनका तो क्या हो गया कि सेठ जी कंजूस हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, हमारा नाम बिगाड़ते हैं। अबे जंजन सुन, अगर तू मेरे बारे में ऐसी ज्ञान बांटता रहेगा तो मुझे छुड़ाएगा काम। अरे मार इसे पीट। बनवारे मैं सेठ जी हूं। बोल। मैं सेठ जी हूं। अरे आपको लगी तो नहीं ना ज्यादा? अरे हाँ? चल बेटा निकल लेते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, इस बहरूबियों को तबीयत से पीटने दो ना चीजा जी को। हाँ, तो मजा आएगा। हाँ, मार 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 इसे मार। अबे सुन साले, नकली सेठ जी बनने से तू बच नहीं जाएगा समझा। अगर तू ऐसा मुझे मारेगा ना तो मैं तेरी तनख्वाह से 500 रुपए काट लूंगा। बे तेरी सेठ जी। अबे सेठ जी तो मैं हूं टंटन। आप भी सेठ जी? एलआईसी जी समझ में नहीं आ रहा, तनख्वाह काटने की बात इन्होंने कही थी, पता नहीं कहीं ये तो सेठ जी नहीं है। अरे ये तो 500 रुपए काटेगा, मैं तो तेरी पूरी की पूरी तनख्वाह साफ कर दूंगा। ए, अगर तूने घुसड़ मार के इसका सिर ना तोड़ा, मार सेठ जी। एक मिनट, मैं ना बड़ी कंफ्यूज हूँ, पता नहीं कौन से मेरे पापा। इसका एक ही इलाज है, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगी और इसका जिसने सही जवाब दिया वो होंगे मेरे असली पापा, बस। पूछ। चल पूछ। तो सवाल ये है कि छटंकी मामा को प्यार से हम सब क्या बुलाते हैं? उसे कोई छट्टू कहता है। और दो तीन लोग तो मैंने ये भी कहते सुने कि छुटकू छुटकू छुटकू। और कई लोग तो उसे ऐसे चढ़ा रहे थे, छटंकू छटंकू छटंकू। सुना है मैंने ये, सुना है। छटंकी को कोई प्यार ही नहीं करता,
तो फिर उसे प्यार से, प्यार के नाम से कैसे बुलाएंगे ये बताओ है? बात कर रहे हैं बेकार की। असली पापा, यही है मेरे असली पापा। सर जी, सर जी। लोगों को गोली दे के मन न भरा जो गोली दागने चली थी है? हाथ पर कर। और क्यों बे पेटू, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा है? हैंडसम, यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुम दोनों मंगी की वजह से जेल में हवा पानी और रोटी खाओगे, चल बे। मंगी अंकल, I'm proud of you। अरे बेटा ये तो मंगी के बाएं हाथ का खेला है, चल बे। बेटा सर जी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, वेल्डन, वेल्डन मेरी बच्ची, तूने आज कमाल कर दिया। सर जी आपको कहीं लगी तो नहीं? पापा। और भाई छोटे क्या हाल चाल है? अरे यार तेरे भाई की शादी है, तैयारी कैसी चल रही है? क्या पहनेगा ये तो बता दे। दूर बैठ, सही से बैठ, ज्यादा ना बकवास ना कर। सेठ जी या तो सठिया गए हैं या दिल का दौरा पड़ रहा है उनका, पता नहीं क्या हो गया उनको। अब भैया ये तो अपनी अपनी किस्मत है, मेरी बन गई तेरी रह गई, जामे ब्रो बानवी की बात ना भैया। ना ना मना ले, किस्मत बड़ी। और छोटे कैसा है तू? अबे चला हट। मैं ऐसा ही हूं सेठ जी जैसा छोड़ के गए थे। तुम ये बताओ, सुनो, इतनी आवाज में आज मिश्री जी क्यों खोल रहे हो? अरे वो सब छोड़, सुन मैं क्या कह रहा हूँ, तू जल्दी से जो है मेरी मालिश कर दे। जब तक तू मालिश ना करता है ना, जब तक तेरी वो धार 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 हाथ की छपाई ना हो जाए मेरी पीठ पे, तब तक मेरे शरीर में गर्मी ना आती है। अच्छा हाँ। और उसके बाद तुम जो मेरी मार मार के सिकाई करोगे उसका क्या होगा? मैंने कब की तेरी सिकाई? अच्छा पापा जी, और इलायची कैसी है? अबे तेरी गर्दन उड़ाने वाली है। तुमने इसको डांटा? हाँ सेठ जी, दिल खुश हो गया मेरा, मतलब मुझे बड़ा ताजुब। एक बात बताओ, उस साया था किसी शैतान का तुम्हारे अंदर, वो चला गया क्या? अरे मेरे अंदर देखा, मेरी जिंदगी चला गया है। अरे बहरूबिया था, मेरा भेस धर करके आ गया, सोच रहे तू, ऐसा भेस धर के आया कि मतलब मेरी जिंदगी में पूरे में एकदम उथल पुथल हो जा रखी थी उसने। सेठ जी मैं तभी कहूंगा, मतलब तुम्हारे जैसा डरपोक आदमी, मतलब जिसका चूहे जैसा दिल है, उस दिन बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी धाड़े क्यों मार रहा था? मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। अब इलायची से अपनी शादी में कैंसिल समझू, अब क्या होगा? भगवान का लाख लाख शुक्र है सेठ जी कि आप वापस आ गए। मेरे तो भाग्य फूट गए। इलायची बेटा एक बात बता, कि तू तो बड़ी होशियार है, है? तुझसे तो आज तक कोई ना बच पाया, फिर मुझे ये समझ में ना आ रहा है कि तू जो है वो अपने नकली पापा में फर्क ना कर पाई है? आपको क्या लगता है पापा कि आपकी इलायची को कुछ पता नहीं चलेगा? अरे यार मुझे तो पहले दिन से ही शक था उस आदमी पर, उसकी हर एक बात अलग थी, वो मम्मी को करुणा करुणा जी कहकर बुलाना। एक काम कर करुणा, तो तिजोरी से पैसे निकाल और गरीबों में बांट, लेकिन बांट। पंचम जीजा जी को मतलब पंचम नाम से, मतलब सही नाम से पुकारता था। ये तो सब मेरा ही है, झूठ बोल रहा है पंचम। और जब मैं उससे पैसे मांगती थी तो मतलब डबल पैसे खुशी के साथ ही देता था, सच्चे। और सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब उसने बिजिंदर के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। पापा तब मैं पक्का समझ गई थी कि ये तो मेरे पापा हो ही नहीं सकते यार। सबसे बड़ा प्रूफ तो मुझे तब मिला जब उसने मेरे सर पे हाथ रखा, और सच बताऊं तो पापा बिल्कुल आप जैसी फीलिंग नहीं थी। पता है क्यों पापा? क्योंकि आप हैं वर्ल्ड के बेस्ट पापा और दुनिया में सिंगल पीस।